दोस्तों आपने क्रिकेट के मैदान पर ऐसे कई मैच देखे होंगे जिसमें अंतिम गेंद तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी। आज मैं भारतीय टीम के एक ऐसे ही मैच की कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसमें कमेंटेटर समेत पूरा देश ये मान चुका था कि भारतीय टीम अब यहाँ से इस मैच को जीत ही नहीं सकती। यहाँ तक कि मैदान पर मौजूद दर्शक भी बीच मैच में ही मैदान को छोड़कर जाने लगे थे और ये मैच भारत की रन मशीन विराट कोहली की कप्तानी में उनका पहला मैच था। आज इस मैच में अंग्रेजों के घमंड को तोड़ना बहुत जरूरी था क्योंकि बेन स्टॉक इंग्लैंड अपने घर में खुद को किसी शेर से कम नहीं समझ रहा था। लेकिन बुड़बक अंग्रेजों को ये बात तो किसी ने बताया ही नहीं था कि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो सिर्फ अपने घर पर ही शेर नहीं है बल्कि ये वो टीम इंडिया है जो दूसरों के घर में घुसकर शिकार करना भी बखूबी जानती है। और जब अंग्रेजों ने हमें ललकार ही दिया था तो चलो उनके घर में घुसकर उन्हें भीगी बिल्ली बना ही आते। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने यहां टॉस में बाजी मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम मैच शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और निर्धारित 50 ओवर में 350 रन ठोक डाले थे। अब अगर भारत को अंग्रेजों को अपनी औकात दिखानी थी तो हमें 351 रन बनाने थे जो मुश्किल तो जरूर था पर नामुमकिन नहीं। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई जहां केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। लेकिन टीम इंडिया की पारी अभी शुरू ही हुई थी कि शिखर धवन भारतीय पारी के चौथे ओवर में ही आउट होकर पवेलियन वापस चल देते हैं। तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने पारी की शुरुआत जोरदार छक्के के साथ करी। तब ऐसा लगने लगा था कि भारतीय पारी यहां से संभल सकती है लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ही केएल राहुल भी डेविड विली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर 24 रन हो गया था। इसके बाद युवराज सिंह और विराट कोहली ने कुछ दर्शनीय शॉट खेलकर भारतीय पारी को 50 रनों के पार पहुंचाया। अभी टीम का स्कोर 56 रनों तक पहुंचा ही था कि तभी सिक्सर सिंह युवराज सिंह भी विकेट के पीछे कैच थमा पवेलियन की राह चलते बने और फिर यहां से 351 रनों के एक बड़े लक्ष्य के दबाव में महेंद्र सिंह धोनी भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जल्दी ही आउट हो जाते हैं। महज 12 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से अब सभी क्रिकेट पंडितों ने ये मान लिया था कि भारतीय टीम अब यहां से इस मैच को नहीं जीत सकती। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक क्रिकेट के मैदान पर अंतिम गेंद फेंक ना दी जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मिनट में आदमी जब तक शूशू करके आता है तब तक मैच का पूरा पासा पलट चुका होता है। भारतीय टीम के लिए उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी थी क्योंकि टीम का कप्तान विराट कोहली अभी भी क्रीज पर डटे थे और कप्तान का साथ निभाने तब मैदान पर आते हैं केदार जाधव। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और जब भी कोई कमजोर बॉल मिलती तो इन दोनों ने बॉल को बाउंड्री के पार भी भेजते रहे जिससे भारतीय टीम अब 100 रनों के स्कोर को पार कर चुकी थी। और देखते ही देखते विराट कोहली ने 44 बॉल खेलकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और कुछ शानदार दर्शनीय शॉट के बाद केदार यादव ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने 25 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 165 रन बना लिए थे लेकिन अभी भी यहां से आगे बाकी बचे 15 ओवर में जीत के लिए 186 रन बनाने थे इसलिए मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। तब इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी पर अटैक करने का निर्णय लिया और फिर विराट कोहली ने मोइन अली को क्लच में लेते हुए 2 छक्के जड़े। वहीं केदार यादव ने भी अगले ही ओवर में आदिल राशिद को 16 रन ठोक डाले। भारतीय टीम ने अब दोनों छोरों से अपने इरादे साफ कर दिए थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम के जीतने की उम्मीद भी अब जिंदा होने लगी थी। देखते ही देखते अब विराट कोहली 99 रनों पर आ गए थे और टीम का स्कोर भी 200 के पार जा चुका था। तभी विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ अपना शतक पूरा कर लिया और कहते हैं ना कि तू डाल डाल
तो मैं पात पात। अब केदार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, अब केदार यादव ने भी एक चौका ठोककर अपना शतक पूरा कर लिया। भारत का स्कोर 36 ओवर की समाप्ति के बाद 261 रनों तक जा पहुंचा था, लेकिन फिर 122 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं और केदार यादव तो शुरू से ही कोहली की राह पर चल ही रहे थे, इसलिए कोहली के आउट होने के बाद केदार यादव भी 120 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। अब भारत का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट खोने के बाद 291 रन था। अब यहां से टीम इंडिया को बाकी बचे 10 ओवर में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। तब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा से मैच जिताऊ पारी खेलने की उम्मीद थी, पर जडेजा 14 बॉल में मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन अभी भी दूसरी छोर पर भारतीय टीम का एक ऐसा बंदा खड़ा था जो भारत को ये मैच जिता सकता था, और वो थे हार्दिक पांड्या, जिन पे अब करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदें टिकी थी। और इसी उम्मीद पर खरा उतरते हुए हार्दिक ने बैक टू बैक 4 चौके ठोककर भारतीय टीम को जीत के दरवाजे तक ला दिया था, क्योंकि अब 12 बॉल में जीत के लिए सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी। यहां हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का लगाते हुए इंग्लैंड के 351 रनों के टारगेट को हासिल करते हुए भारत को जीत दिला दी, और इंग्लैंड के खिलाफ ये टीम इंडिया की ऐसी जीत थी जिसने अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए थे। तो विराट कोहली और केदार यादव की इस मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।